प्रदेश सरकार द्वारा मानसून सत्र को रद्द करने को लेकर सुजानपुर विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष के प्रहार से बचने के लिए इस सत्र को भाजपा सरकार ने रद्द करवाया है, क्योंकि सरकार के पास विपक्ष के और जनता के सवालों का जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में पूरी तरह साफ हो गया था कि मानसून सत्र हर हाल में होना चाहिए, जिस पर सबकी सहमति भी सामने आई थी, लेकिन सरकार कोरोना की आड़ में विपक्ष के प्रहार से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार के गृह मंत्री हैदराबाद में रैली कर सकते हैं, जहां हजारों लोगों की संख्या इकट्ठे करवाई जा सकती है, वहां पर 2 गज की दूरी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन विधानसभा सत्र जहां तमाम सुरक्षा संबंधी इंतजाम किए गए हैं, अलग अलग बैठने की व्यवस्था है, उसे इस वैश्विक महामारी का नाम देकर स्थगित कर देना कहां की राजनीति है। उन्होंने सत्तासीन भाजपा सरकार प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम की सरकार को निकम्मी और निठल्ले सरकार बताया है। खिलाफ आज प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं और जो कि विधानसभा में उठने वाले थे, करप्शन के मुद्दे हैं और कई वर्मेंटल इश्यूज हैं और कोविड को लेकर जो पूरी तरह फेलर रहा है, इसको लेकर भी सरकार जो है घिरने वाली थी। और सरकार डर के मारे, भय है सरकार को कि हमारी वहां पर विधानसभा में जो है वो स्थिति खराब होने वाली है, हमारे बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमारी पोल खुलने वाली है, इसलिए सरकार ने इस सत्र को टालने का प्रयास किया है। अब देखिए, अब मुझे कुछ लोगों ने बताया जो कि शराब का काम करते हैं कि एक बोतल के पीछे जो इंग्लिश बोतल है, अंग्रेजी की शराब की बोतल जो है उसके ऊपर 10 रुपए चार्ज कर रहे हैं और जो देसी शराब की बोतल है उसके ऊपर 5 रुपए, बीयर की बोतल के ऊपर 5 रुपए, तो महीने में करोड़ों रुपया जो है शराब के इस पे टैक्स लगाया गया है। कोरोना टैक्स लगाया। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है ये व्यय कहां हो रहा है। हॉस्पिटलों में लोगों की पूछनी हो रही है, जहां कोविड सेंटर इन्होंने बनाए हैं, कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं, वहां पर लोगों को ना खाने की प्रॉपर व्यवस्था है, ना वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना कोई और व्यवस्था कर रहे हैं, तो पैसा कहां जा रहा है। आज सरकार जो है वो आर्थिक कंगाली के दौर पर गुजर रही है, आर्थिक दिवालिया ऐसा सरकार का निकल चुका है। और इस सारे मसले जो विधानसभा में उठने वाले थे, सरकार चर्चा से भाग रही है। और मुझे आप ये बताइए कि आज सरकार ये कह रही है कि 50 लोगों की जो है इन्होंने अनुमति दी है, तो विधानसभा में तो ने लंबा चौड़ा इंतजाम किया हुआ था, ग्लासेस लगा दिए थे, अलग अलग बैठने की व्यवस्था थी। अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव कराती है तो वहां 10-10 हजार लोगों की रैलियां की जाती है, वहां खुला है, है? मुख्यमंत्री प्रवास पर जाते हैं तो उनके लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और इसके अलावा आज आप हिंदुस्तान में देखिए, हैदराबाद आप देखिए कि हैदराबाद में इनके जो गृह मंत्री हैं, जो पूर्व में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका जो रोड शो हुआ, रोड शो में हजारों हजारों लोग इकट्ठे किए गए, वहां कोविड नहीं है। तो मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता के जो मुद्दे, जनहित के मुद्दे विधानसभा के अंदर जो है वो चर्चा होनी थी, उनसे ये सरकार पूरी तरह भाग रही है और सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी निकम्मी निठली सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पहली बार देखी है।